नूरपुर में समाज सेवी रणबीर सिंह निक्का ने भाजपा समर्थकों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थकों को भी सेंध लगाना शुरू कर दी है। इसी मद्देनजर आज कांग्रेस सेवा दल नूरपुर के अध्यक्ष रक्षा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ रणबीर सिंह निक्का का दामन थाम लिया है। रक्षा शर्मा पिछले काफी समय से कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, अब रक्षा शर्मा रणबीर सिंह निक्का के समर्थन में काम करेंगी। मिलख पंचायत बीडीसी सदस्य रीता पठानिया ने कहा कि आज हमारी बहन रक्षा शर्मा जो कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष थी हमारे साथ आई हैं। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज के लिए काम करना चाहता है तब हम सब भाई निक्का के साथ मिलकर सामाजिक कार्य व सामाजिक कुरीतियों को दूर करेंगे और निक्का को जीत दिलवाकर विधानसभा शिमला भेजेंगे तथा आखिर दम तक साथ देंगे। रक्षा शर्मा ने कहा कि मैं यहाँ सारी बहनों व निक्का भाई का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने आज मुझे इतना मान सम्मान दिया। कोई भी कार्य हो वो मन से होता है, मेरा मन शायद यहाँ था और शरीर वहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ मेरे मान सम्मान नहीं था, मान सम्मान था पर मेरा मन निक्का के साथ काम करने को था, इसीलिए मैं इनके साथ मिलकर इकट्ठे परिवर्तन की ओर काम करेंगे और नूरपुर में परिवर्तन करेंगे। रणबीर सिंह निक्का ने कहा कि आज हमारी बहन रक्षा शर्मा आज हमारे परिवार से जुड़ी है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मातृशक्ति ने जब जब जो ठान लिया है वह अवश्य हुआ है। मातृशक्ति एक ऐसी शक्ति है जिनका 50% वोटों का सहयोग रहता है। जब जब भी हिंदुस्तान में कोई चुनाव आया आपने देखा कि मातृशक्ति ने वो ठान लिया। योगी को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाया है। अगर शिवराज चौहान को ठान लिया उसे बनाया है, तो इस बार मातृशक्ति ने ठाना है कि रणबीर सिंह निक्का को जिताना है और बारी बारी की राजनीति में परिवर्तन लाना है, जिसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे क्योंकि अभी भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। वहीं मकान कच्चे हैं, कहीं पानी नहीं है। इस बार मातृशक्ति ने ठान लिया है कि नूरपुर में परिवर्तन लाकर छोड़ेंगे, अब इसे कोई भी रोक नहीं सकता। मेरा नाम रीता पठानिया है, मैं पंचायत मिलक से वर्तमान बीडीसी हूँ। आज हमारी रक्षा बहन जो कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष थी आज हमारे बीच आई है तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है। जब एक सामाजिक कार्यकर्ता जब समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम सभी महिला जितनी भी यहाँ महिला शक्ति आई है सभी महिलाएं मिलके सामाजिक कार्य भैया जी के साथ मिलके सामाजिक जो कुरीतियां उनको दूर करेंगे और इनको विधानसभा में पहुंचा के ही सांस लेंगे अंतिम दम तक। अजी मैडम, आज आपने निक्का जी का समर्थन किया है, पैसे पीछे आप शायद कांग्रेस में थे किसी पद पे, तो कैसा लग रहा है और क्या जरूरत पड़ी है कि आप कांग्रेस छोड़ के निक्का जी के साथ आए? पहले तो मैं सारी यहाँ की बहनों का धन्यवाद करती हूँ और अपने भाई जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना मान सम्मान प्यार भाव दिया है। दी का धन्यवाद करती हूँ, अपनी रीता पठानिया का धन्यवाद करती हूँ, मेरी भाई पंचायत के मिंद्र भाई जी का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच पर यहाँ लाके खड़ा किया है। और मतलब एक मन से होता है कि कोई भी कार्य है मन से। मैं वहां थी, मेरे को वहां भी मान सम्मान मिला, ऐसी नहीं है, लेकिन एक मन होता है ना इंसान का कि आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है, और मेरी जो आत्मा थी शायद यहाँ थी और मेरा शरीर वहां था। और मैं चाहती हूँ अब मैं आत्मा और शरीर को साथ लेके परिवर्तन की ओर चले हैं और परिवर्तन होके रहेगा। आप उस वक्त कौन से पद पर थी? अजी सर, आज आपके पास ये महिला शक्ति आपको ज्वाइन करने आई है, कैसा लग रहा है और किन पार्टी से ज्यादा लोग जो है आपके साथ जुड़ रहे हैं? मैं आपका मीडिया के माध्यम से सभी नूरपुर वासियों को, कांगड़ा वासियों को, हिमाचल वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि रक्षा बहन आज हमारे परिवार के बीच में विधिवत तौर पर आज इन्होंने ज्वाइन किया है। हम इनका पूरे अपने परिवार की ओर से, अपनी माता की ओर से, अपनी पत्नी की ओर से, पूरे जो संगठन की ओर से हम इनका स्वागत करते हैं अपने परिवार में। और मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो परिवर्तन करने के लिए जब मन बना लेती है तो कोई भी दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं पाती। मातृ शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसमें 50% वोटों की भागीदारी रहती है,
जब जब भी कोई चुनाव आया पूरे हिंदुस्तान में, हर प्रदेश में, जहां जहां आपने देखा होगा, जहां मातृ शक्ति ने ठान लिया कि माननीय जोगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो उन्होंने बनाया। जब जब मातृ शक्ति ने ठान लिया शिवराज चौहान जिनको मामा कहकर बोलते हैं, जब मातृ शक्ति ने ठान लिया तो उनको बना दिया। तो इस बार मातृ शक्ति ने ठाना है कि नूरपुर से भाई अपने भाई रणवीर निक्का को जिताना है, तो मुझे इनके आशीर्वाद की जरूरत थी। मैं इन्हें इनके घर गया, इनके साथ मैंने बातचीत की, इनको आग्रह किया कि इस बार जो नूरपुर में परिवर्तन होने जा रहा है मुझे मातृ शक्ति की आशीर्वाद की जरूरत है, सभी बहनों की जरूरत है, हम इकट्ठे होकर मेहनत करें, नूरपुर में परिवर्तन आए। जो पिछले कई वर्षों से 5-5 साल जो बांटे हुए हैं उससे हमारे जो माता बहन हैं विकास से वंचित हैं, लोगों के घर कच्चे हैं, बेचारे आस लगा के बैठे हैं, और हमने वायदा किया अपनी मातृ शक्ति के साथ मिलकर कार्य करेंगे, हर घर तक विकास पहुंचाएंगे। और आज हमारी मातृ शक्ति ने कमान संभाल ली है, आगे आगे देखो परिवर्तन नूरपुर के अंदर कैसे होता है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।